वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एक्सीलेंट करियर पॉइंट भाल की आज की क्लास में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मुख्तल ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 6। देखिए स्टूडेंट क्या कहता है, इफ 1,2 एंड 4,5, x,y,5 एंड 3,5 आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड एक्स एंड वाई। अगर 1,2, 4,y, x,5 और 3,5 तरतीब में लिए गए मतवादियल अजला के मुख्तसात हैं तो एक्स और वाई की कदर मालूम कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, मतवादियल अजला किसे बोलेंगे जिसके साइड अपोजिट होना एक दूसरे के। तो अगर ऐसा मतवादियल अजला होता है तो मतवादियल अजला के भीतर एक दूसरे को तंसीफ करते हैं। पैरेललोग्राम एबीसीडी इंटरसेक्शन पॉइंट ओ ऑफ डायगोनल ए सी एंड बी डी। देखिए ए सी बी डी को यह इंटरसेक्ट कर रहा है, ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी, इन दोनों का मिड पॉइंट है ये। अब हम आपको इसके ओ की मुख्तसर अगर पता कर लेंगे हम तो एक्स और वाई की वैल्यू हम आसानी से पता करते हैं। मिड पॉइंट के लिए देखिए स्टूडेंट फॉर्मूला है x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2 ए सी के लिए, बी डी के लिए भी वही फॉर्मूला। ए बी सी डी पॉइंट लिखे हैं, ए सी पता करना है और बी डी पता करना है। देखिए स्टूडेंट चलिए सॉल्व कर कर देखेंगे। चलिए स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, एक्स वन का वैल्यू है देखिए 1 प्लस एक्स टू है एक्स डिवाइडेड बाई 2 कॉमा वाई वन का वैल्यू 2 है प्लस वाई टू 6 है। स्टूडेंट थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए आप, डिवाइड 2 इज इक्वल टू एक्स वन देखिए बी डी में, एक्स वन का वैल्यू 4 प्लस एक्स टू देखिए 3 डिवाइड 2 वाई वन देखिए बी में, वाई वन है y प्लस वाई टू है 5 डिवाइड 2। स्टूडेंट्स अब यहां से देखिए 1 प्लस एक्स डिवाइड 2 इज इक्वल टू 8/2 इज इक्वल टू 7/2 कॉमा सॉरी कॉमा है y प्लस 5/2। स्टूडेंट्स अभी देखिए ये x के साथ x के पॉइंट रख लीजिए, y के साथ y के, 1 प्लस एक्स बाई टू इज इक्वल टू 7/2। स्टूडेंट्स और देखिए y जमा 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8/2। स्टूडेंट्स इस तरह से रख लीजिए, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1 प्लस एक्स इंटू 2 इज इक्वल टू 7/2 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है ऐसे ही होगा, चलिए सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट ने तो एक अच्छा काम आप कर लीजिए, यहीं से नीचे के सेम वैल्यू कट जाते हैं काट लीजिए, 1 प्लस एक्स यहाँ से इजी हो जाएगा आपका, एक्स इज इक्वल टू 7-1 प्लस 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ से एक्स का वैल्यू आपका आ जाएगा 6। स्टूडेंट अभी y में देखिए नीचे से चले जाएंगे कंटिन्यू, ठीक है y इज इक्वल टू 8+5 इधर आएगा तो -5 तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा आपका 3। स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।